अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लाए हैं गर्मियों के लिए बेहतरीन सा नाश्ता। ब्रेकफास्ट में बनाइए, ब्रंच में बनाइए, और या छोटी मोटी भूख के लिए ले लीजिए। बहुत मज़े की बनती है ये पूरियां। तो ये पूरियां हमने बनाई है अलग तरीके से, और इसके साथ हमें किसी सब्ज़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंदर से भी आप देख रहे हैं कितनी खस्ता, कितनी मुलायम सी है, और इसकी परतें भी देख लीजिए आप कितनी खस्ता हैं, कितनी अच्छी पूरियां बनी हैं। और इसके साथ हमने सर्व किया है बूंदी का रायता। तो फ्रेंड्स, बूंदी के रायता की भी रेसिपी हमने बहुत प्यारी सी बनाई है, बड़ी आसान सी रेसिपी है, और इन पूरियों के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। तो आप भी ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं ये सिंपल सी, आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। हमने लिया है 200 ग्राम दही, इसको अच्छी तरह से हम विस्क कर लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 चम्मच काला नमक। साथ ही डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, चुटकी भर काली मिर्च डाल देंगे, चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसे एक साइड रख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी के अगले स्टेप की तरफ। एक पैन गरम करके 1 कप पानी डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी धनिया की पत्ती। पानी बॉयल होना स्टार्ट होने लगा है, थोड़ी सी कलौंजी भी हम डाल देंगे 1/4 चम्मच। तो अब इस गर्म पानी में हम डाल देंगे 1 कप चावल का आटा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ ही मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए चावल का आटा बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे फ्लेम से हटा लेंगे और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अभी ये आटा गरम है, लेकिन हमें थोड़ा सा गरम गरम में ही इसे मसलना है। थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लेते हैं, इसे हम 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे बस, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। आटा ठंडा हो जाएगा तो मिक्स नहीं होगा फ्रेंड्स अच्छे से। थोड़ा सा तेल भी ऐड करेंगे हम, 1 टेबल स्पून के करीब, और ऑयल मिला करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा गर्म है तो हाथ को बचा बचा करके हम इसे मसलते रहेंगे। इसे थोड़ा सा पंच भी मार लेंगे। अब हम लोई बना के देखते हैं। लोई हमारी स्मूथ बन रही है, तो बस हमारा आटा अच्छी तरह से गूथ गया है। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, फ्रेंड्स चावल का आटा है तो थोड़ा बेलने में दिक्कत होगी। तो पूरियों के किनारे थोड़े से कटे फटे से हैं, चूँकि चावल का आटा है तो हम इसे कट कर लेंगे। और कट करने के लिए हमने एक स्क्वायर डब्बे का इस्तेमाल किया है। तो आज हमारी पूरियां फ्रेंड्स स्क्वायर रूप में बनने वाली हैं। वैसे आप जिस तरह चाहे कट कर लें, आप राउंड भी कट कर सकते हैं। राउंड कट करना हो तो किसी ग्लास कटोरी वगैरह से कट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी सी पूरी हमारी बनके तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल यूनिक शेप में। तो इसी तरह और बना लेंगे। पूरियों को बेल के हमने तैयार कर लिया है, अब चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। तो गर्मी के यहाँ कम मिलती हैं और ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है, तो आप इन पूरियों को बना सकते हैं और इनमें किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स आप इसे रायता, अचार, चटनी के साथ ले सकते हैं। तो हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है, जब तक कर लेते हैं कुछ और काम। दही हमारी मिक्स है और ये अभी गाढ़ी है, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी हमने मिला दी है। तो फ्रेंड्स इससे रायता का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम मिला देंगे 1/4 कप बूंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं बूंदी का रायता, जो कि हमारी इस पूरी के साथ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है।
और गर्मियों का दिन है, ये ठंडा ठंडा रायता बहुत मन को भाएगा। तो बूंदी मिलाने के बाद थोड़ी देर तक हम इसे छोड़ देते हैं। तेल हमारा मीडियम हॉट हो चुका है, ये तलते हैं पूरियों को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरियाँ तैयार के ऊपर आ गई हैं, बहुत अच्छी तरह से ये सिक रही हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी ही सुनहरी रखनी हमें पूरियाँ, और इतनी ही फूली हुई, देखिए कितने ज़्यादा फूली हुई हैं। ये हल्की फुल्की सी रेसिपी आपको पसंद है तो ये हल्की फुल्की सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। गर्मियों के लिए एक प्यारी सी रेसिपी, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्रेकफास्ट में बनाइए या ब्रंच के लिए रखिए, ये पूरियाँ रायता अचार चटनी के साथ बहुत मज़े की बनती है, और इनके साथ किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही सर्व किया है हमने बूंदी का रायता, जिस जो पूरियों के साथ बहुत अच्छा जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ अच्छी सी नई सी रेसिपी लेकर के, कुछ मज़ेदार सी, कुछ प्यारी सी रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।